झारखंड का रुख कर लेती हूँ। रांची से आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश भी बने हुए हैं। कल बहुत कुछ चेंजेस यहाँ पर दिखे ऋषिकेश, नक्सल प्रभावित इलाकों में इतनी बंपर वोटिंग करना, महिलाओं की बंपर वोटिंग एक रिकॉर्ड यहाँ पर बनना, SC ST इलाकों में भी हमने देखा कि किस तरह से वहां पर भी ज्यादा वोट पड़े हैं सामान्य सीटों के मुकाबले, ये सब क्या संदेश दे रहा है? पूजा जी, देखिए तमाम एग्जिट पोल भले ही किसी की सरकार बना रहे हैं किसी की नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो वोटिंग का ट्रेंड है जो बताया जाता है आमतौर पर कि जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है वो एंटी सत्ता माना जाता है, परिवर्तन को लेकर बताया जाता है। लेकिन अब जो वोटिंग का ट्रेंड है वो थोड़ा बदला दिख रहा है। शहरी इलाकों में आप पहले चरण और दूसरे चरण में देखिए तो कम वोटिंग हुई है। कल भी जब वोटिंग का ट्रेंड था तो ग्रामीण इलाकों में आप कहीं भी किसी बूथ पर चले जाएं तो वहाँ कतारें इतनी लंबी थी और वहाँ तकरीबन 80% 82% 80 से ऊपर ही जो वोटिंग का परसेंटेज था, जो वोटिंग का ट्रेंड था वो सबसे ज़्यादा था मुकाबले शहरों के। और जिन इलाकों में कल वोटिंग थी, खास करके संथाल और जो ट्राइबल बेल्ट कहा जाता है, वहाँ पे लोग एक मुश्त कतारबद्ध खड़े थे और उसमें लगभग जो आमतौर पर है कि आदिवासी और मुस्लिम वोटर, बार बार हम लोग ग्राउंड से बात बता रहे हैं कि दोनों ही वोटर इंटैक्ट थे, दोनों ही वोटर की गोलबंदी पहले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में ज़्यादा आक्रामक थी। तो इसीलिए ये कहना, तो ये कहा जा रहा है दोनों ही दल इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हमारी सीटें पहले के मुकाबले इस बार और बढ़ेगी, हालांकि सस्टेन करेगी। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जो वोटिंग का ट्रेंड बढ़ा है, जो परसेंटेज बढ़ा है वो उसके पक्ष में है, लेकिन जिन इलाकों में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है वो इंडिया गठबंधन के पॉकेट वाला बेल्ट था। शहरों में जो भारतीय जनता पार्टी का जो बेल्ट रहा है और जो 2014 जीती, 2019 जीती और जो उनका ट्रेडिशनल सीट कहा जाता है झारखंड में, वहाँ पे वोटिंग का परसेंटेज कम है। तो एक चीज़ तो बहुत बिल्कुल ये स्पष्ट है कि किसके पक्ष में जाएगा किसके पक्ष में नहीं जाएगा, ये बेहद कहना मुश्किल है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो कांग्रेस के कोटे की पिछली बार जो ST सीटें थी पहले चरण और दूसरे चरण में, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त वापसी की है। वहाँ पे उनके संगठन ने जो 5 किलो अनाज है या फिर जो घुसपैठिया या आदिवासियों और मुसलमानों के बीच में जो कंपरिजन का प्रचलन चला कि कम है, सरना कोड को लेकर बाइफर्केशन करने की कोशिश की, वहाँ पे आदिवासियों को हिंदुत्व से जोड़कर देखा गया, क्रिश्चियन जो आदिवासी थे जो माइग्रेंट थे उनको एक अलग तरीके की कैटेगरी में देखा गया, तो उन सीटों पर जो कांग्रेस के कोटे में ST सीटें जीती हुई थी वहाँ पे बेहद कड़ा मुकाबला है। और ये संभावना है, भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि उन सीटों पर वो सेंधवारी करने में सफल रह जाएंगे। और इसीलिए अगर उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करती है या जीतती है। नीलम जी, गलत कह रही हूँ?